तो आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जो बनी है 10 सालों से दिल्ली में हम 7-8 सालों से सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में आज हमने बिजली मुक्त किया है, पानी मुक्त किया है, सरकारी स्कूलों का और डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, वहां के शिक्षा के हिसाब से आज विश्व में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वाहवाही है। जब बड़े बड़े जो मेडिकल संस्थान है या IIT के संस्थान है उसमें चयन होते हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल से पिछले साल 800 IIT, NIT और NEET के एग्जाम में 800 सरकारी स्कूल के बच्चे क्वालिफाई किए, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। दिल्ली में हॉस्पिटल को देखें तो हॉस्पिटल में चाहे आपका 1 रुपये का इलाज हो चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को इलाज मिलता है। जहाँ पेंशन की बात करें तो जो पेंशन हम छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को 300-350 यहाँ पर बुजुर्गों को मिलता है उसके लिए उनको चक्कर काटना पड़ता है, वही पेंशन दिल्ली में 2500। तो ये सारी चीजें हमने करी है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करी है। पंजाब में भी नया सरकार बनती, पंजाब में आज जिस माइनिंग माफिया की मैं छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूँ आज माइनिंग माफिया पंजाब में समाप्त हो गया है। सरकार रेत खदानी खुद चला रही है और कम रेट में, मिनिमम रेट में ग्राहकों को रेत मुहैया करा रही है। और बहुत सारी चीजें हैं, बिजली मुफ्त 300 यूनिट पंजाब की सरकार बनती है। पंजाब में अभी इसी साल अभी आपने देखा गुजरात में चुनाव जब हुआ तो आम आदमी पार्टी को 40 लाख वोट मिले, 40 लाख वोट मिले और 5 विधानसभा की सीटें मिली, वहां से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती हुई। तो अब चूंकि पूरे देश में माहौल आम आदमी पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों का रुझान है, इसी रुझान और चुनावी संगठन की शुरुआत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया भगवंत अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी 5 तारीख को 5 मार्च को रैली कर रहे हैं, जो रायपुर में अपना नया बस स्टैंड है वहां पे रावण घाट है वहां पे जनसभा को संबोधित करें। रही बात धमतरी जिले के संगठन की तो पूरे प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी ने 455 ब्लॉक बनाए हैं।